टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो गाइज, आप लोग का बहुत सारों का कमेंट आ रहा था कि भाई जो बांग्लादेश में वो क्लास कब से स्टार्ट होगा, मतलब बहुत लोगों को डाउट था कि कंसल्टेंट लोग कुछ क्लियर करते नहीं कि क्लास कब से स्टार्ट करना कब से नहीं करना, तो इसलिए बहुत कोई कमेंट में आके परेशान हो जाते। तो मेरा एग्ज़ाम आज खत्म हुआ तो हम सोचे एक वीडियो बना देते आप लोग के लिए, जो क्लास है वो कब से स्टार्ट होगा। तो गाइज, जो गाइज बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उन्होंने अभी एक ऑफिशियली लिस्ट जारी किया कि क्लास जो है बांग्लादेश में जो अभी 2022 और 23 का जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 10th of July से। ये फाइनल है गाइस, अगर जो कुछ बाद में अगर ये चेंज होता है तो हम आप लोगों को बता देंगे कि डेट चेंज हो गया, बट अभी तक जो फाइनल है वो है कि 10th July से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा सबका। और गाइस, जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम आता है कि सब लोग पूछते हैं कि इक्विवेलेंस का क्या हुआ, बहुत जो कंसल्टेंट है वो इक्विवेलेंस दे नहीं पाते हैं, बट इक्विवेलेंस लेके आना बहुत जरूरी है बांग्लादेश में। अगर ये आपका इक्विवेलेंस नहीं बना है तो इसका मतलब आपका जो मतलब एडमिशन है वो नहीं हुआ होगा अब तक। तो गाइज, इक्विवेलेंस आप लोग अपना जो कंसल्टेंट है उससे आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इक्विवेलेंस लीजिए। तो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के जो ऑफिशियल साइट है उसमें आप इक्विवेलेंस जो है बैच बाय बैच अपलोड होते रहता है, जैसे 50 स्टूडेंट का बन गया तो उसका नाम अपडेट हो जाता है। तो मेक श्योर गाइज, आप लोग वहाँ से चेक करें कि आपका इक्विवेलेंस में नाम आया है कि नहीं आया, क्योंकि अगर जी वहाँ नाम नहीं आया बट तो आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा। बट गाइज, क्या होता है, कंसल्टेंट लोग डुप्लीकेट इक्विवेलेंस भी बना के रख देते हैं, तो इसलिए आप वेरीफाई कर लीजिए ऑफिशियल साइट में जाके कि उसमें आपका नाम आया कि नहीं आया। और बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई अच्छा अच्छा कॉलेज कौन सा है बांग्लादेश में। तो गाइज, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, तहरुन्निसा है, फिर अगर कोई गर्ल्स है सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है तो अद्दीन मेडिकल कॉलेज है, फिर उसके बाद ख्वाजा यूनुस मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज इंग्लिश बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, तो आप लोग ये सब विजिट कर सकते हो। और मेरा कॉलेज आशियान मेडिकल कॉलेज है, तो आप लोगों को बट मेरे कहने पे आप लोग को नहीं जाना, आप लोगों को हमेशा वो करना है पहले से रिसर्च करना कि कौन सा कॉलेज किया है, अगर उसको किसी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट हो पाते तो उससे पूछना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लियो कि वो कैसा है नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देख के आपको एडमिशन लेना है, किसी कंसल्टेंट का बात पे नहीं आना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाइस, कभी भी कंसल्टेंट को फीस मत देना, जितना भी फीस लगता है वो आप अपने कॉलेज के अकाउंट में डालना, नहीं तो ये लोग आपके साथ बाद में बहुत फ्रॉड करते हैं यहाँ पर आने के बाद, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मतलब जो बांग्लादेश में MBBS है और जो इंडिया में वो आप क्या सेम रह गया है, क्या मतलब डिफरेंट है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो बुक यूज़ होते हैं, सारा जो इंडिया में बुक होता है वही यहाँ पर यूज़ होता है, तो उतना डिफरेंस नहीं है कुछ। और जो डिजीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जो इंडिया में डिजीज़ है वो डिजीज़ यहीं पढ़ते हैं, तो मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, अरमानिया, ये सब से करते हैं, उन लोगों का डिजीज़ अलग होता है क्योंकि उन लोग का कंटिनेंट अलग है, हम लोग सेम कंटिनेंट में, तो हम लोग का जो डिजीज़ है वो सेम है, तो इसलिए आप लोग को इंडिया में जाकर कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इतना पढ़ाते हैं आपको आइटम कार्ड टर्म सबली सब देना पड़ता है, तो आप लोग FMG के लिए भी प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा होने लगता है, कि जो बाद में आप 4 महीना 5 महीना 6 महीने का ब्रेक लेकर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है यहाँ पे। और भाई, बहुत लोग ये पूछते हैं कि रैगिंग होता क्या बांग्लादेश में कॉलेजेस में, तो गाइस रैगिंग तो नहीं होता इतना, मतलब ना के बराबर होता ही नहीं समझो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस है, इंडियन एम्बेसी है, तो इतना रैगिंग कुछ होता नहीं, रैगिंग जीरो रैगिंग होता है, तो इसलिए आप वो सबका टेंशन फ्री रह सकते हो कि कोई कॉलेज में जाएंगे कोई मारेगा रैगिंग करेगा, सीनियर वूनियर ये सब यहाँ पे नहीं होता कुछ, तो आप लोग बिना उसका उसके लिए टेंशन फ्री रहो। सॉरी गाइस, सर आ गए थे थोड़ा सा। तो हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग बांग्लादेश इसलिए प्रीफर कर सकते हो क्योंकि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है सेम इंडिया की तरह। और जो गाइस सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ का आदमी लोग गाइस बहुत अच्छा है, मतलब दे आर प्योर हार्टेड, मतलब आपको कभी कोई चीज़ का दिक्कत होगा तो तुम्हारे जो बंगाली क्लासमेट्स है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी तुमको पीछे छोड़ के नहीं हटेंगे कि कहीं भाग गए। तो गाइस यहाँ का आदमी का दिल बहुत बड़ा गाइस, तो आप लोग सब चीज़ का टेंशन मत लेना। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बाहर जाओगे इंग्लैंड, अमेरिका, UK, रशिया, तो यहाँ का लोग आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा होता ना अपनापन फील नहीं आएगा, और यहाँ पर जो गाइस अपनापन फील आएगा। और ये सब चीज़ है, ये सब बेनिफिट्स है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि घर से दूर रहना है और थोड़ा सा क्या बोल सकते हो होम सिकनेस होता है, फिर बाद में एग्जाम्स यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ये सब कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, बट एट द एंड जब आप अगर जी MBBS फाइनल करके निकल जाते हो तो आपको कुछ पूछने वाला नहीं है कहाँ से क्यों नहीं किया, अगर आप PG अच्छे कॉलेज से करते हो, तो इसलिए गाइस श्योर आप लोग आ सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और कंसल्टेंसी फ्रॉड से बच के रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है कंसल्टेंसी में, बहुत ज़्यादा, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, मैं खुद ठगा गया हूँ तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा कंसल्टेंसी फ्रॉड होता है। और अगर जी आप इस और मैं, हाँ गाइस,
और यदि मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूँ तो मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा होगा नीचे में कहीं पे, तो इंस्टा में मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे हम रील्स डालते रहते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं उस चीज़ के बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस आप लोग फॉलो कर सकते हो हमको वहाँ पे भी। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और ब्लॉग आएगा 10 तारीख को। यहाँ पे एक जगह न्यू मार्केट बोल के जो बहुत सस्ता जगह है वो हम लोग एक्सप्लोर किए हैं, तो उसका ब्लॉग 10 तारीख को आएगा, तो आप लोग उसको भी देखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत ही करीब है 800 सब्सक्राइबर के लिए, तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। मैं आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहूँगा। और थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतना व्लॉग में प्यार दिया, जो व्लॉग बनाते हैं उसमें प्यार दिया। अभी और भी जगह है बहुत सारा जो कि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने वो नहीं घूमा नहीं, तो अभी सारे जगह घूमेंगे। थोड़ा एग्जाम था इसलिए बिजी थे गाइस, तो उस सब का ही व्लॉग आएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो अभी का अभी, वाई कर ही देना, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर हम लोग को इस महीने पहुँचना है। तो अभी इतना गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बना रहे, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत दिन से, भाई बता दो, तो भाई आप लोगों को बता दिए,